के द्वारा बेरोजगार युवाओं पर दबाव बनाया गया, लाठीचार्ज की गई, लेकिन बेरोजगार युवा अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और हमारे साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना जी हैं। एक ऐसा माफिया विकसित हो गया राजस्थान में, जैसे आप बता रही थी, जेईएल का पर्चा आउट हुआ, सब इंस्पेक्टर का हुआ, नीट का हो गया, यहाँ तक कि राजस्थान में नीट का भी। और अब ये घने ही दिनों से ये बच्चे जो छात्र या अभ्यर्थी हैं, ये सरकार से मांग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं कि हमारी बात सुनी जाए, परीक्षा रद्द की जाए। और आखिर में कब तक चलेगा? जो पढ़ने वाला मेहनती बच्चा है उसके भविष्य तो अंधेरे में जा रहा है। इसलिए आज ये धरने पर बैठे थे, यहाँ पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के इनको मारा है, पीटा है, सड़कों पर वाहनों के सामने भी टकरा गए, कुछ अस्पताल में चले गए, कुछ को गिरफ्तार कर लिया। मेरे को उन्होंने फ़ोन किया था, मैं सवाई माधोपुर से था, मैं भागा भागा आया, मैंने कहा 9 बजे तक मैं पहुंचने वाला हूं, उससे पहले उनको यहां पर हटा दिया। मैं सबको समेट के लाया हूं और मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि लाठी के बल पर आप आंदोलन को कुचल नहीं सकते। दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम मांग करेंगे, चूंकि SOG स्टेट के पास है, इसमें बड़ा हाथ है, उस पर SOG हाथ नहीं डाल सकते, तो हम चाहेंगे कि CBI की जांच हो। भारत माता की। वो कह के गए 11 लोगों की हम सुबह वार्तालाप कराएंगे CMO कुलदीप राका साहब के साथ। अगर सार्थक बात परिणाम निकल गए तो ठीक है, वरना ये छात्र नेता जैसे चाहिए वैसे मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन कर सकता हूँ। बल्कि मैं इस मौके पर मेरी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता को भी निवेदन करना चाहूँगा कि सारे MLA MPs को लाके यहाँ पर धरने पर बैठ जाए, इससे स्कैम नहीं हो सकता जो राजस्थान में। बहुत बढ़िया, राजस्थान का एक ही लाल गोरी लाल गोरी लाल, बाबा तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, बाबा तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। बगल जाओ यार, भाई यार हट जाओ, क्या चाहते हो यार? अरे नीचे आ जाओ भाई, सब अरे मत ले, अब लेने नीचे, अब उधर नीचे यार, अब क्या यार, चार मिनट